क्या आपका कोई ऐसा दोस्त रहा है या है जो आपको तभी कॉल करता था जब उसको आप तक कोई ज़रूरत होती थी, जब आप तक कोई काम होता था, या कोई ऐसा रिश्तेदार जो आपके शहर में तो नहीं रहता, मतलब जब उनको आपके शहर में कोई काम होता है तब वो आपके घर पे रुकने के लिए आ जाते हैं। मिलना तो एक बहाना होता है, आते तो वो रुकने हैं, वो सोचते हैं कि चलो काम हो जाएगा, रिश्तेदारों से मिलना भी हो जाएगा, मतलब रुकने आते हैं, मिलने नहीं आते हैं। तो ऐसा कोई रिश्तेदार है आपका? सेकंड कंडीशन तो मेरे साथ नहीं हुई क्योंकि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि कोई रिश्तेदार आके रुक सके। हाँ, पहली जो है अप्लाई हुई है मुझ पर, बहुत बार अप्लाई किया, इवन हो भी रही है, अभी तक हो रही है। तो जब हमारे साथ ऐसा किया जाता है, जैसा होता है, जाहिर सी बात है कि हमें अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता ना, हमें लगता कि हम बहुत अनइम्पोर्टेंट हैं, हमारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हमारी एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप दूसरों की खुशियों के लिए जिम्मेदार नहीं हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनको खुश करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद को खुश करने में है, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको उनकी खुशी में है। तो उनकी खुशी उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अब देखो कैसे पता लगाया जाए कि आपको कहीं यूज तो नहीं किया जा रहा है। चार बातें बताता हूँ, गौर से सुनना, अगर हो रहा है तो समझ लेना कोई यूज किया जा रहा है। फर्स्ट, कि लोग आपसे मदद तो मांगते हैं, आप कर भी देते हो, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वो हाथ खड़े कर देते हो, नहीं हमारे बस की बात नहीं है यार, हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसे क्या आपके साथ हो रहा है? एंड दूसरी बात ये कि आप कोई प्लान बनाते हो कहीं घूमने का, या बच्चों की कोई स्टडी का, या किसी भी तरह का कोई प्लान बनाते हो, लेकिन आपके जो मतलब क्लोज्ड हैं वो प्लान को कैंसिल कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये भी इट्स लाइक बीइंग यूज्ड, मतलब यूज किया जा रहा है, मुझे लगता है ये है वो बात। और नंबर 3, कई लोग आपको तब कॉल करते हैं जब उनके पास बहुत समय होता है, मतलब बेकार समय होता है, खाली समय होता है, वो सोचते हैं कि अब कुछ करने के लिए है तो है नहीं, है ना, चलो टाइम स्पेंड के लिए आपको कॉल कर लें, क्या ऐसा होता है आपके साथ? नंबर 4, जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हैं तो कुछ लोग आपको बहुत चिढ़ाते हैं, यार तू तो बहुत बड़ा हो गया, जो मंडी हो गया, बात ही नहीं करता, मिलता ही नहीं, खुद में ही खोया रहता है, बड़े लोग हो गए, वीडियो पर लाइक ही नहीं करते। मतलब ऐसा आपके साथ होता है, मतलब बड़े लोग, बड़े लोग, बहुत बड़े लोग हो गए, मिलते ही नहीं, कहाँ रहते हो? लेकिन आप ये याद रखो, खुद को प्रायोरिटी देना नॉर्मल है, इट्स ओके टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट, इट्स ओके टू से नो, ना कहना सीखो, आपके टाइम पर, आपकी एनर्जी पर, आपकी रिसर्च पर आपका पूरा अधिकार है, ये एक नॉर्मल बात है। पहले आप अपने बारे में सोचें, फिर दूसरों के बारे में सोचें, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, ना कहना सीखो, इट्स ओके टू से नो, लोगों को ना कहना सीखो, अपने बारे में पहले सोचो, दूसरों के बारे में बाद में सोचो। और आप ये भी देखिए कहीं आप ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर रहे, बढ़ चढ़ कर वादे तो नहीं कर रहे, इससे क्या होता है कि वादा आप कर लेते हैं इमोशंस में आकर, लेकिन पूरा नहीं कर पाते, इससे आपकी इमेज खराब होती है, ये रेपुटेशन खराब होती है। तो मुझे लगता है ये ओवर कमिटमेंट भी आपकी एनर्जी की, आपके टाइम की बहुत बड़ी दुश्मन है। आप ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर रहे, ये जानने के लिए ये देखिए कि आपके पास अपनी हॉबीज के लिए टाइम है, आपके पास खुद के लिए टाइम है, आप दूसरों की खुशियों को पहले सोचते हैं फिर अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, थके थके से रहते हैं, तो ये साइंस हैं ओवर कमिटमेंट के। आप बढ़ चढ़कर वादे तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे। अगर आपको लगता है कि आप ओवर कमिटमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा रुको, बैठो, सोचो, अपनी प्रायोरिटी को फिर से सेट करो। और याद रखिए कि आप खाली गिलास से दूसरों की प्यास नहीं बुझा सकते, दूसरों की प्यास बुझाने के लिए आपके गिलास में पानी होना
जरूरी है। जब तक आप खुद की केयर नहीं करोगे तो दूसरों की केयर क्या करोगे। तो इट्स ओके टू से नो। आपकी एनर्जी, आपकी वैल्यू, आपके टाइम पे, आपके रिसर्च पे आपका पूरा अधिकार है। खुद को प्रायोरिटी देना एक नॉर्मल सी बात है। सो दैट ऑल फन, टेक केयर, थैंक यू।